بسم الله الرحمن الرحيم गुड़ियात हर एक में फर्क जरूर है, इवें फर्क है सारी दुनिया, कोई जाबिर कोई मजबूर ते कोई तरसे तन दियां कपड़ियां तो, ते कोई खा खा के मगरूर। एक गल नू याद तू रखाबिद, हर एक ने मरना जरूर। कयामत का दिन है, जालम लोग अल्लाह पाक की अदालत अंदर इस हाल अंदर पेश किए गए ने कि इन्होंने हथां नूं अग दियां हथकड़ियां, पैरां नूं अग दियां बेड़ियां और इन्होंने सरां दे उत्ते अग दे खौल डाले गए और फरिश्ते इन्हां नूं हांक के अल्लाह पाक की अदालत अंदर लैके आए। खुदा बंदे कुद्दूस दी बारगाह दे अंदर आंदियां नाल अल्लाह पाक दे हुजूर ए इक अर्ज कर दे और कहंदे ने अखिरना इला अजलिन करीब, ए अल्लाह सानू थोड़ा जा वक्त दिता जाए, मोहलत दिती जाए, असीं दोबारा वापस जाने दुनिया ते। फरमाया दुनिया ते जाके की करोगे? ते को कहंदे ने नुजीब दावतक व नत्तबिउर रुसुल, असीं दुनिया ते जाके तुहाडी दावत वी मन्नांगे ते तुहाडे रसूल दी दावत वी मन्नांगे। अल्लाह पाक फरमांदे ने अवलम तकून वक्समतुम मिन कबलु मालकुम मिन ज़वाल, ओ वक्त तुहानू याद नहीं जद तुसीं कसमां चुक चुक के कहिंदे सो वी असीं नहीं मरना, साड़ी कुर्सी बड़ी मजबूत है, असीं बड़े ताकतवर हां, साड़े कोल बड़ा माल ते बड़ी पावर है, सानू कोई हिला नहीं सकदे। की कहंदे हुंदे सो दुनिया ते? वसकंतुम फी मसाकिनिल लजीन ज़लमु अनफुसहुम, चलो गुरूर ते तकबर करन तो पहला इन्ना ही सोच लेंदे भी जेड़ी जमीन ते तुसी खलो के तकबर करदे सी, इत्थे कदी फिरौन भी तकबर करया करदा सी, कारून भी करया करदा सी, जदों ओ नहीं रहा ते तुसी कित्थों रहणा? लेकिन नहीं, उदों तुसी अपने गुरूर अंदर, तकबर अंदर, अपनी कुव्वत ओ ताकत दे नशे अंदर जो तुहाडा दिल कीता तुसी मुंह चो आख्या, ते अज हुण जदों तुहाडे बुरे आमाल दी सजा दा वक्त आया, हुण मोहलत मंगदे हो? कोई मोहलत नहीं, जाओ। ये हुण अल्लाह पाक दी अदालत विचों जहन्नम दा चलान लैके जा रहे ने, ते जांदियां जांदियां कुछ कहिंदे ने ते कुछ करदे, जो करदे ने ते जो कहिंदे ने। अल्लाह पाक ने ओ दोवें चीजां कुरान पाक अंदर बयान कीतियां ने। ये 19वां पारा है और 19वें पारे दे पहले सफे दियां चार पंज आयतां छड्ड के ते अगे आयतां दी है, जरा तवज्जो करना, गौर करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा अल्लाह मेरे समेत सानू सारयां नू ओहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर दे सीनाए पाक दे नादल होण वाला अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया वयौम यअज़्ज़ुज़्ज़ालिम अला यदैही यकूलु या लैतनि इत्तखज़्तु मअ अर-रसूलि सबीला या वैलता लैतनि लम अत्तखिज़ फ़लानन खलीला। ज़ालिम लोग अल्लाह पाक दी अदालत दे विचों
वापस जा रहे ने जहन्नम वाल और जांदियां जांदियां की कर देने अल्लाह दा कुरान दसदा है जालम अपनियां उंगलियां आप अपने अंदर डाल के उन्हां नूं कटदा पिया है अपने हाथ ते आप ही कटी जा रहा है अफसोस नाल गम नाल नदामत नाल परेशानी दे नाल आप ही अपने हाथां नूं कट कट के खाई जा रहा है ते नाले दबा जो कहिंदा या लैता नित्ता खजतू मार रसूल सबीला काश मैं दुनिया तेरे दया होया रसूल दे मुकाबले दे अंदर किसी दूसरे बंदे नूं ना लेके आंदा रसूल दे मुकाबले दे अंदर किसी दूसरे बंदे दी गल नूं दलील ते हुज्जत ना बणांदा हजरत दी वकार अंदाजा करो ना एडी मुश्किल हालत दे अंदर जालम नूं मां याद नहीं आई जालम नूं बाप याद नहीं आया जालम नूं भैणा ते भरा याद नहीं आए इस मुश्किल घड़ी अंदर जालम नूं याद आया ते रसूल याद आया उत्थे पछताया जाके काज मैं रसूल दा कहना मन लैंदा खानपुरिया दावत फिकर देना जाना कल जो उत्थे रोना है आज रसूल दी गल मन लाओ कल जो कमली वाले दा नाम लेके सुबहाने ने आज कमली वाले दी तालीमात ते अमल कर लाओ आज मेरे पैगंबर दे दसे तौर तरीके नूं अपनी जिंदगी दा मताए हयात बना लाओ अल्लाह अल्लाह जिथे सोना बिठा देवे बैठ जाया कर जिथे सोना लगा देवे लग जाया कर जिथों नबी पाक डक देण उथो रुक जाया कर मैं कहा मेरे मगर लग जाओ जन्नत अंदर जाओगे इंज नहीं हो सकता कोई होर आलमे दीन कहे मेरे मगर लग जाओ जन्नत अंदर जाओगे ये भी नहीं हो सकता दुनिया का कोई जली कह देवे कोई इमाम ते पीर कह देवे मेरे मगर तुरे आओ जन्नत जाओगे इंज नहीं हो सकता लेकिन जदों आमीना ते तुरे यतीम कह देन ओ दुनिया दे लोगो मेरे मगर मगर टुर आओ जन्नत अंदर जाओगे मेरा अकीदा ते मेरा ईमान है जिहड़ा बंदा अल्लाह दे पैगंबर दे मगर मगर टुर आ जाएगा हौज कौसर तो हुंदा होया सीधा जन्नतुल फिरदौस अंदर जाएगा अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा आओ मेरे पैगंबर दे मगर मगर चलिए और हजरत बाबा जी समसाम रहमतुल्लाह अलैह बड़े प्यारे अंदाज अंदर फरमा गए मोहम्मद मोहम्मद पकाम दा चला दा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मोहम्मद पकाम दा चला दा इखो गीत समसाम मकाम दा चला दा मोहम्मद मोहम्मद पकाम दा चला दा मुसलमान बन जा मुसलमान हो जा नबी जी दी सुन्नत तो कुर्बान हो जा ते बिदअत दे सर खाक पाम दा चला दा मोहम्मद मोहम्मद पकाम दा चला दा एहो गीत जमजम गांदा चला दा अल्लाह अल्लाह मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िलण वाला कुरान सुनिए फरमाया औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। कयामत वाले दिन हाल होना है जालिम दा, किंदा सारे बोलो किंदा जालिम। पता नहीं एदी अम्मी ने एदा नाम की रखे है, पता नहीं एदी अब्बू ने एदा नाम की रखे है, पता नहीं दुनिया ते लोग इहनू किहड़ा नाम लैके बुलांदे रहे ने, पर अल्लाह ने एदा नाम जालिम रखे है। की नाम रखे है? जालिम रखे है। हुण जालिम हुंदा कौन है? जालिम कहिंदे किहनू ने? हज़रात तेजी वकार, जालिम ओह बंदा हुंदा है जिहड़ा किसे हकदार कोलों ओहदा हक लैके ते किसे ऐसे नूं दे देवे जिहदा ओह हक ना होवे। फिर देखो ते आ वेखो ना, इह पानी दी बोतल है, इह मेरा हक है। हुण इक बंदा इह बोतल मेरे कोलों खो के मेरा हक लैके ते किसे ऐसे नूं पकड़ा देंदा है जिहदा इह हक ही नहीं, ते इह जिहड़े बंदे ने मेरे कोलों मेरा हक लैके ते किसे होर नूं दित्ता, इस बंदे दा ना की है पला पला एदा नाम है जालिम। हजरत दी वकार, वैसे ते जालिमा दियां कई किस्मां ने, पर मोटे मोटे मैं चार जालिम तुहानू गिणाने ने। जरा तवज्जो करना, गौर करना, अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, हजरत दी वकार गौर करना, दरा चार तरह दे मोटे मोटे वड्डे वड्डे जालिम। सब तो पहला जालिम हो गए जिहड़ा अल्लाह पाक दा हक अल्लाह दे बंदियां विच वरता दिंदा है। अल्लाह पाक दा हक अल्लाह दी मखलूक अंदर वरता छड़दा है। अल्लाह पाक दा हक की है? कुरान पाक अंदर अल्लाह पाक दा हक लिखा है, फरमाया या अय्युहन नास उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया कायनात के लोगों, इबादत करो अपने रब की। अल्लाह पाक ने पूरी कायनात के लोगों को खिताब फरमाया, फरमाया पूरी कायनात दे लोगों इबादत करो। अल्लाह की दी इबादत करिए, फरमाया मेरी इबादत करो। अल्लाह तुहाडी इबादत क्यों करनी है? फरमाया क्योंकि मैं तुहाडा रब हां। अल्लाह तुहाडे रब होण दी दलील की है? फरमाया खलाकाकुम, मैं तुहानू पैदा कीता है। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, तुहाडे तो पहले लोगों नू भी मैं पैदा कीता है। मकान जिहड़ा बंदा बणांदा है, जिहड़ा पैसे लांदा है, ओहदे च रहण दा हक भी ओहदा ही हुंदा है। जिहड़ा बंदा गाड़ी खरीददा है, पैसे लगांदा है, उस गाड़ी दे विच बैठण दा ज़्यादा हक भी ओहदा हुंदा है। जिहड़ा पैदा करदा है, सजदा ओहदा हक हुंदा है। हज़रत दी वकार, मैनू तेनू पैदा करने वाली जात अल्लाह दी जात है, लिहाजा सजदा हक रब दा, रुकू रब हक दा, अल्लाह पाक दा हक है। जदों झुकना है अल्लाह पाक के झुकना है, जदों सजदा करना अल्लाह पाक के करना है। मिन्नत समाजत अल्लाह वास्ते, मदद दा नारा अल्लाह वास्ते, मुश्किल कुशाई दा नारा अल्लाह वास्ते, हाजत रबाई दा नारा अल्लाह वास्ते। इस पूरी कायनात दा खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राजिक भी अल्लाह, दाता भी अल्लाह, दस्तगीर भी अल्लाह, अला कुल शैइन कदीर भी अल्लाह, फहालु लिमा युरीद भी अल्लाह, इज्जत व जिल्लत दा मालिक भी अल्लाह, बेटे ते बेटियां देण वाला भी अल्लाह। ए पूरी कायनात दा खालिक भी अल्लाह, मशरिक दा, मगरिब दा, शमाल दा, जनूब दा, जमीन दा, आसमान दा, हवावां दा, फिदावां दा, जलवत दा, खलवत दा, जाहिर दा, बातिन दा, अव्वल दा, आखिर दा, नूरियां दा, नारियां दा, खाकियां दा, आबियां दा, फलकियां दा, फर्शियां दा, जमीनियां दा, आसमानियां दा, पहलियां दा, बाद वालियां दा, नबियां दा, वलियां दा, कुतबां दा, अवदालां दा, सहाबियां दा, वहाबियां दा, बरेलवियां दा, देवबंदियां दा, शियां दा, पूरी कायनात दा दाता अल्लाह है। और अल्लाह दी कसम कल्ला है।
है भी अल्लाह है भी कल्ला ए अल्लाह दा हक के दा हक बोलो ए अल्लाह पाक दा हक हुन जेड़ा बंदा ए हक कब्र वाले नु दे दंदा है हुन जेड़ा बंदा ए हक मदारा वालियां नु दे दंदा है हुन जेड़ा बंदा ए हक टालियां ते बेरियां ते सुट के आ जांदा है हुन जेड़ा बंदा ए हक जनाब मिट्टी दीयां ढेरियां ते सुट के आ जांदा है रब दी जमीन ते इस बंदे तो वड्डा जालिम कोई नहीं सब तो वड्डा जालिम है अपनी जान उत्ते आप ही जुल्म करदा पिया है रब दा हक जो रब दी मखलूक अंदर बंडदा फिरदा है अल्लाह 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 मालिक दा दर छड के सजदे दर मखलूक ते कर दे ओ रब ते हक नु दर दर बंड के रब तो क्यों नहीं डर दे ओ मालिक दा दर छड के सजदे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना पीर पैगंबर रब कोलो मंगदे तू भी रब कोलो मंगिया कर पई मुश्किल विच डर गहरां दे मेरा वीर न लंगिया कर वली पैगंबर मोहताज नहीं उस दे पर तुसी मोहताज कबर दे ओ रब दे हक नो दर दर वंड के रब तो क्यों नहीं डर दे ओ मालिक दा दर छड़ के सजदे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खालके कायनात दा कुरान सुनिए फरमाया अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम वयौम यअज्जु ज़ालिमु अला यदैहि यकूलु या लैतनि इत्तखज़्तु मअर रसूलि سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना है पहला दालम है और दूसरा दालम हजरत दीवकार दूसरा दालम केड़ा है जेड़ा अल्लाह दे नबी दा हक चुक के ते नबी दे उम्मतियां विच तकसीम कर देंदा है अल्लाह दे नबी दे उम्मतियां विच हक वरता देंदा है नबी पाक दा हक की है ए भी अल्लाह पाक दी किताब मुबीन अंदर लिखया है फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह पर मैं मेरे महबूब ऐलान करके कह दियो अगर अल्लाह पाक दा कुर्ब पाना चाहते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो इत्तिबा क्या होता है कदम बा कदम चलना कदम कदम पे चलना है बाना इत्तिबा का जिथे कमली वाले ने जिवें कीता उवें करना है जो अल्लाह दे पैगंबर ने आखिया है उवें करना है लोकी कहंदे ने इंज इंज क्यों करदे हो असि कहने आ कमली वाले ने कीता है ते तां करने आ इत्थे हाथ का तो बनदे हो असि कहने आ मीना दे दुर्रे यतीम ने बनने ने ते तां बन रहे आ लोकी कहंदे उच्ची आमीन क्यों कहंदे हो कमली वाले ने आखिए दितां कहने आ फत्ता बिउनी असि अल्लाह दे पैगंबर दी पैरवी करने आ हजरत दी वकार सानू मनाना औखा कोई नहीं सानू किसे गल ते लियाना मुश्किल कोई नहीं बहुते रौले करम दी लोड़ कोई नहीं बहुते इत्तेजाज करम दी लोड़ कोई नहीं बहुते नारे लाण दी लोड़ कोई नहीं ते बहुतियां मनादरियां दी लोड़ कोई नहीं सानू मनाना है कमली वाले दी हदीस तू लै तकसीम की हजरत दी वकार वो बंदा बड़ा वड्डा दालम है जिहड़ा किसी होर दी गल नूं इंज मनदा है जिवें रसूल अल्लाह दी गल नूं मन्निया जांदा है किसी होर दे कहण ते हलाल समझदा है किसी
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਰਾਮ ਸਮਝਦਾ ਏ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਾਲਮ ਏ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਗੁਲਾਮ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਏ ਨਾ ਕੁਝ ਜਨਾਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਜਨਾਬ ਪੀ ਪੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਆਓ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ मैं बैठा वा है नाल मेरा पुत्र बैठा है मेरे हाथ भी चुमो है मेरा पुत्र बैठा है पीर साहब कह रहे है इदे हाथ भी चुमो है मेरे अब्बा जी दी कब्र है इत्थे भी सजदा करो है परा मेरे दादे दी कब्र है इत्थे भी सजदा करो एक गल्ला इत्थे पिया है इदे विच ही पैसे पाओ एक गल्ला परा पिया है ओदे विच ही पैसे पाओ सजदे भी करने आ गल्लियां च पैसे भी पाने आ इन्हां दे हाथ भी चुमने आ इन्हां दे पैर भी चुमने आ इन्हां दीयां गड्डियां दे टायर चुम के जालम जुर्रत करके को पुछण दी कोशिश नहीं करदा मैं तेरे पैर चुम्मा ते क्यों चुम्मा मैं तेरी गड्डी दे हाथ नाल टायर चुम्मा ते क्यों चुम्मा मैं तेरे दादे दी कब्र ते सजदा करा ते क्यों करा मैं तेरी अब्बे दी कब्र ते सजदा करा ते क्यों करा मैं तेरी गल क्यों मन्ना ओ मैं क्यों तेरे मगर लगा मैं नहीं तेरी मनदा क्यों किस वास्ते क्योंकि मैं कलमा तेरा नहीं पढ़िया मैं कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह दा पढ़िया है मैं कलमा मीना दे दुर्रे यतीम दा पढ़िया है ये जुर्रत जिन्नी देर तक तेरे विच नहीं आएगी उन्नी देर तक तू जालिम कहलवाएगा कमली वाले दा हक जो लोकां नूं वंडदा फिरना है हजरत दी वकार दूजा जालिम है ते तीजा जालिम केड़ा है हजरत दी वकार अल्लाह दे बलियां दा हक है ते चुक के वरताई जांदा है होरां नूं अल्लाह दा बली जिहड़ा है ओह क्या किन्नू जांदा है ते कईआं होरां नूं समझी जांदा है अल्लाह ला ला इथे ते बली दी डेफिनेशन बड़ी सौखी जी बनाइए बली बनना हां जी बनना की करना है कच्चा धागा होना चाहिए ते डूंगा सरा खूह होना चाहिए ते गिट्टे नु धागा बनया होना चाहिए ते बंदा पुठा लटकया होवे 12 साल कढ़ने ने ते बली बन जाए 12 साल पुठा लटको ते बली अच्छा एक ते दूसरी बली की है जी बली बली साहब बैठे सन कुकड़ी खा रहे सन मुर्गी खा रहे सन हड्डियां बकरियां रखी जा रहे सन हड्डियां बकरियां इकट्ठियां करके फिर हड्डियां नु इकट्ठियां कर लिया फिर फूक मारती फूक मार के ते कुकड़ जिंदा कर छड़े आप लोगों को ये डेफिनेशन देती है अल्लाह के बली की इस तरह बली बना जाता है और जो लोगों नु तुसी इंज दियां गल्लां दसोगे फिर बली घट बणनगे टिकटॉकर बहुते बणनगे हुण केड़ा कुकड़ खावे ते केड़ा कुकड़ियां दियां हड्डियां इकट्ठियां करे ते केड़ा उहनां नु कुकड़ां नु जिंदा करदा फिरे ते लोकी कहिंदे ने भाई बली रहण दिओ आपां टिकटॉकर ही चंगे तुम ये मेयार पेश करते हो वलायत का नहीं नहीं हजरत जी वकारे वलायत दा मेयार नहीं बली बनना की है इधर देखो बंदे कोल अकीदा ए तौहीद होए बंदा सुन्नत दा पाबंद होए बंदा हलाल खांदा होए ते बंदा नबी पाक अलैहि सलातो सलाम दी सुन्नत दी अमल करदा होए अल्लाह अल्लाह नबी पाक दी सुन्नत दा पाबंद होए चार गल्लां अल्लाह बंदा अकीदा तौहीद रखदा ए सुन्नत दा पाबंद होए हलाल खांदा ए ਪੰਜ ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਬਲੀਏ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਬਲੀਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭਣ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਗੰਦ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਖਾਵੇ ਕਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕੱਢ ਜੱਡੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਬਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਪਟਾਰੀ ਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦੋ ਕੁਝ ਅਕਲ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਰੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ੁਭਤਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਸਮਝ ਪੜਦੇ ਹੋ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਮਾਦ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ
बापा दे मगर लग के अपना अकीदा खराब न करिया करो। और यार मैं हैरान ऐ जिन्ना दिनों दे अंदर माशाल्लाह हजरत पसरूई साहब तशरीफ लाए, जरा मेरा वेखो पिछले दिनों दे अंदर ना अज तो बिल बड़े ज्यादा आंदे सन बिजली दे, उदो एक 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 कहन लगा एक वली है ते वली नहीं, वलिया नु कह दा है कि नसी नु वली है जी मेरे को एक तरीका आ गया, मैं तवीज इंज दा बना के देना है, तवीज ले जा के तुसी मीटर ना टंग देना ते बिल ही नहीं आना, तवीज ले आके मीटर ना टंग दे बिल। मीटर शफा हो गई शफा देनी है, मैं फिर उदो आख्या मैं भी एक काम करो पीर साहब दे ते वली साहब दे तवीज च इनी बरकत है बस मीटर ना लगो तो बिल घट हुंदा है ते इंज करो खबर ट्रांसफार्मर ला के ना बाबा ही टंग दियो बाबड़ा वाले तो जान ते छूटे साडे हैं। अल्लाह अल्लाह जालम ना बनो वली नू वली समझो, वली दा हक चुके ना लोफरां नू ना दियो, इना शुभ दे बादां नू ना दियो। चौथा जनाब जालम है ते जनाब तीसरा जालम है ते चौथा जालम केड़ा तवज्जो करना हजरात ते जीवकार गौर कर दे जाना। चौथा जालम ओ बंदा है जेड़ा बंदा अल्लाह दे बंदियां दा हक अल्लाह दे बंदियां कोल लै के ते छीन लैंदा अल्लाह दे बंदियां दा हक अल्लाह दे बंदियां कोल ना दा हक लै कोना ते कब्जे कर लैंदा है। पा लई जनाब पा लई कोठी मार के ठगी उत्ते वड्डा सारा लिख दित्ता आदा मिन फदले रब्बी। अल्लाह 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 ये लोकां दे माल हड़प कीती जांदा है जायदादां जमा कीती जांदा है, खो के खाया रज नहीं हुंदा नंगा पिड्डा कज नहीं हुंदा ते ठगी मार के हज नूं जाइए पैंडा हुंदा है हज नहीं हुंदा, रात नूं तस्बीहां दे चक्कर देंदा है दिने अल्लाह दी मखलूक नूं चक्कर देंदा है, छेआं महीनियां बाद खाने काबे दे चक्कर कड आउंदा है ते फिर अगले छे महीने इत्थे लोकां नूं चक्कर देंदा है, फिर इत्थे लोकां दे नाल दगाबाजियां करदा है, किसे दा प्लाट खा गया किसे दी जमीन ते कब्जा कर गया किसे दी जायदाद ते कब्जा कर गया छोटे भरा दा हक खा गया अपनी भैणां दा हक खा गया। अल्लाह अल्लाह हजरत ते दी बकार से भी बड़ा वड्डा जालम है, ए भी बड़ा वड्डा जालम है जेड़ा लोकां दा माल ना हक हड़प कीती जांदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने अल्लाह जीना याकुलूना अमवाल लियतामा जुल्मा इन्नामा अकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वसयसलूना सईरा। फरमाया कायनात दे लोगो जेड़ा बंदा दूसरियां दा हक नाजायज जुल्म करके खांदा है उन्हां दे हक ते कब्जा करदा है अपनियां जायदादां ते जमीनां बनाई फिरदा है, फरमाया इंज अपने पेट अंदर जन्म दी अग पिया भरदा है, यतीमां दा माल खाण वाला अपने पेट अंदर जहन्नम दी अग पिया भरदा। अल्लाह अल्लाह मैं वाकिया याद आया एक दोस्त ने सुनाया कहंदा मैं कब्रस्तान गया कब्रस्तान दे अंदर मैं जनाब किसे कब्र ते खलोता सां ते मैं देखिया कुछ कब्रां तो परां इक पासे एक औरत परदे दे अंदर जनाब बुरके दे अंदर उहदे नाल उहदा इक निक्का जिहा छोटा जिहा बच्चा कब्र ते खड़ी है ना। अल्लाह कहंदे ने मैं अलग कब्र ते खड़ा दुआ पिया करना उह अलग परां खड़ी है लेकिन उहदी आवाज रोण दीआं आवाज़ां मेरे तक पहुंच रही ने उदिया सिसकियां ते हिचकियां तियां मेरे तक पहुंच रही ने आहिस्ता आहिस्ता उदिया बातां बुलंद हो गई उदिया सिसकियां ते हिचकियां बुलंद हो गई ते मैनू अपना ध्यान मेरा मेरे कन्ना वल मैं जनाब कन्ना मैं बोतर सुनन लग पिया मेरा ध्यान उस बीबी वल चला गया। अल्लाह अल्लाह मैं सुन रहा वा बीबी की कह रही है ना ते बीबी दी जुबान तो जुमले की निकलते पे ने बीबी कहती अल्लाह ए जिहड़ा बंदा कबर विच पिया है
कबर नू अग नाल भर दे अल्लाह दी कबर वे चिंगारी गारे कर दे। वो कहंदा मेरे पैरा थलों जमीन निकल गई, मैं खरान परेशान हो गया ते मैनू अपनियां दुआवां दे अल्फाज तक भुल गए। मैं छेती छेती बीबी कोल गया, मैं आखा नी अल्लाह दी ये बंदियां नी मेरी ये भैणे, ये लोग बेचारे ते अपनियां दुआवां दे मोहताज ने, ये दुनिया तो टुर गए ने, अपना जो कीता कताया है हुण आखरत दा सफर कर दे पए ने, ये तू किवें दी दुआ पई करनी है ना। उन्हें अगो की आख्या, उन्हें आखा वीर मैं नहीं जानती तू कौन ते कित्थों आया है, मैं तैनू दसा ये जिहड़ा बंदा कबर विच पिया होया है ना, ये इलाके दा वडेरा बंदा, ये इलाके दा अमीर ते वड्डा बंदा सी, मेरे खामद ने आना ना जोड़ के एक मर्दना बचंद मरनिया दा प्लाट लिया सी। अल्लाह अल्लाह ते मेरा खामद फौत हो गया, इनू पता सी उस प्लाट दा, इन्हें अपने असरोह सूक दे नाल उस प्लाट उत्ते कब्जा कर लिया है, वो प्लाट अपने नाम लवा रहा है। मैं मजबूर ते बेकस ते बेवा और सां ते मैं कुछ नहीं कर सके, मेरे को इतना ताकत नहीं, इतना माल नहीं कि मैं ओदे कोलों इतना बखैत लवां ते खो लवां। अल्लाह पाक दा फैसला आया है, इहनू हार्ट अटैक हो गया ते मर गया है, ये मर गया है ते मैं तहैया कीता है मैं जदों तक जिंदा रहना है, मैं दी कबर ते इंज आया करना ते इंज बदुआ करया करनी है। वीर जी एडे वड्डे जुल्म ना करो, कदों तक लोकां दीआं दवानां बंद कर लेंगा, मन्निआ ए जिहड़ियां काले मूंह वालीआं जनाब कोपां तेरे कोल ने, ए जिहड़ियां कलाशनां तेरे कोल ने, ए जिहड़े वर्दियां पवा के तू 14-15 अपने नाल रखे होए ने ना, ए कदों तक इहनां दा डरावा दे के लोकां कोलों माल खिंचदा रहेगा, कदों तक इहदे रोब ते दबदबे दे अंदर लोकां ते जुल्म करदा रहेगा, लोकां ते ज़्यादतियां करदा रहेगा। एक वक्त आण वाला है जदों दुनिया छड करके चले जाना है, एक वक्त आण वाला है जदों मर जाना है। इतना खोवे तू दुनिया तो जावे ते तेरी कबर ते खलो के लोग बदुआवां कर लग जान, तेरी कबर ते खलो के लोग जिहदियां गल्लां कर लग जान। जुल्म ना कर, ज़्यादती ना कर, किसे ते हक ते नजायज कब्जा करके जालिम ना बण। अल्लाह ला ला, कई भरा भी बड़े जालिम हुंदे ने ना, एडा वड्डा छापर 10 किलो दा फ्रूट दा छापर लै के अपनी जनाब भैण दे घर तुर गया है, ते अपनी वड्डी सारी पग ला के अपनी भैण दे पैरां विच रखदा है, ते पता की कहिंदा है, नहीं मेरी ये भैणा जिहड़ी फलानी जगह ते मार्केट अंदर तेरियां 3 दुकानां तेरे नां दियां हुंदियां ने, है तेरियां ही ने, है तेरियां ही ने, मैनूं दे दे हक तेरा ही है मैनूं दे दे, है तेरियां ने मैनूं दे दे हक तेरा है मैनूं दे दे। ओ मैं पुछणा चाहना तेरे कोलों वड्डिया खाजिया ते नवादिया, तेरे अंदर ते डाकू विच फर्क की है, तू भी डाकू ते ओ भी डाकू, फर्क सिर्फ इतना है डाकू भी किसे कोलों माल लुटदा है, ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਹੈ ਮਾਲੇ ਦਾ ਏ ਹੈ ਤੇ ਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਡਾਕੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਅੰਦਰ, ਡਾਕੂ ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਗੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਦੀ ਵਕਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਲਾ ਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਏ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਦਾ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਏ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਦਾ ਮਾਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਏ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ, 700 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਵੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਏ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ, ਓਏ 900 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਲਵੇ ਪਰ ਜਾਣਾ ਏ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਲਾ ਲਾ ਲਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਮੰਜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਮੰਜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ,
ते मंजी नालों कबर चंगी जड़ी मोए गल नाल लावे ते मंजी नालों कबर चंगी जड़ी मोए गल नाल लावे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खालिक कायनात दा कुरान सुनिए मेरी गर तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब दे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते ना दलन वाला कुरान है फरमाया औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ظالم نہ بنو جے دنیا تے ظلم کر دے ٹر جاؤ گے اخرت اندر تے جو ہونا ہی ہے او تے قران نے ذکر کیتا ہے تے جے حق دبا کے دنیا تو گئے تے ممکن ہے تہاڈیاں قبراں تے دعاواں کرن والے گھٹ ہون تے بد دعاواں کرن والے بہتے ہو جان اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وا اخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.